इधर ही आ जाओ। तहरीक इंसाफ इस्लामगढ़, उनके साथ सीनियर सहाफी इमरान बिलाल साहब चकवादी से तशरीफ लाए और उनके साथ राजा शुजात साहब भी तशरीफ लाए। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का अथा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो है। अज अस मौजूद हाँ इस्लामगढ़ जो ग्राउंड है, बैडमिंटन ग्राउंड है, इसने विच टूर्नामेंट जारी है और पिछे जिन्हें टीम ने मीरपुर और डडियालियाँ इस वक्त लगी हैं। तो सर नाल ऑर्गनाइज जो मौजूद हैं जो टूर्नामेंट जो कराए रहे हैं, इन्होंने भाई और गलबात करने और इन्हों को जो कुछ पूछने हैं, इसकी मालूमात कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, सब तो पहले बहुत शुक्रिया जनाब घर टी वी नाथों इतना असा को आयो जनाब, बहुत शुक्रिया अपनी नगरी चैनल, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुसा जनाब। सर ये दसो भी तकरीबन कितनिया टीम पर मुश्तमिल सुने? सर 32 टीम आई रही अज जो खेड सन इतना, उसने गुजरात सियालकोट यानी पंजाब भी आई रही इतों डडियाल मीरपुर सहनसा चकसवारी इस्लामगढ़ आल आजाद कश्मीर और पाकिस्तान सारा टोर यानी कि इतना खिलाड़ी खेड़ी सकने? बिल्कुल खेड़ी सकने जनाब, कुछ पाबंदी नहीं। ठीक है, इसी स्पॉन्सर कुछ किया? सारे बहुत सारे ब्रांड खासकर यूके जो सब तो पहले असने जना अस गेम शुरू कराई सी हान क्यूम हान साहब उन्होंने असा कि निका जहा कंपलैक्स असाना एक सी न्यू सिटी चकसवारी उत असा बनाई तो दिता से सारा सैटअप उन्होंने टोटली खर्चा उन्होंने किया मिशा क्या लख या सवा लख रुपया उन्होंने लाया से उस तो बाद अज आना टूर्नामेंट इसने सब तो बड़ा तावन असा नाल किया वै जुल्फकार भट्टो साहब ने अपने इसर अले उन्होंने किया वै उस तो बाद राजा इरफान साहब हैं राजा चेयरमैन बरकत साहब हैं फैसल बरकत साहब हैं चौधरी आर साहब हैं डडियाल तो जी बिल्कुल वह भी हैं उस तो बाद चकसवारी ने चीफ ऑफिसर हैं हाजी आफ्ताब साहब उन्हें भी असा बहुत स्पॉन्सर किया डॉक्टर मुश्ताक साहब साकब मुश्ताक साहब यानी काफ़ी उमैर हैं उमैर रफीक साहब असाने मेहमान इंग्लैंड तो आए उन्हें काफ़ी सपोर्ट की असानी और भी माशाल्लाह बैनर लगे उन्हें ना इतना गिनना शुरू किया कम से कम कोई 40-45 बंदे ऐसे हैं जिन्हें असं बहुत सपोर्ट की इस बहुत ज्यादा इस स्पोर्ट ना जाना तो ये चली रहा जी बिल्कुल इस स्पोर्ट ने तो फैल ही समझो मुमकिन होया चकसवारी तू इतने कोई मुश्किल वगैरह कोई
मुश्किलात काफ़ी दरपेश जिसने जहर है तकरीबन असाने रोज़ अद्धा घंटा लगी जाना मोटरसाइकिल पर अच्छे वो भी समझो कि फी मुड़े ना 3000 रुपया असा रखे वे भी पेट्रोल ना खर्चा उस तो बाद 1500 रुपया फी मुड़ा देना शटलों ने यानी कि 7-8 हज़ार रुपया फी मुड़ा दे रहा वै चेक सवारी तो इतना अच्छे ना हाली वो बैडमिंटन खेलने वास्ते इतना अच्छे तो इतना तकरीबन 10 मुड़े खेलने लगे हुए इसलिए असाना जरा फाल्कन क्लब है ना वो सारा तकरीबन इतना अच्छा 10 मुड़े समझो 8000-80 हज़ार रुपया असा यह बनी जाना तकरीबन महीने ना असा इतना खर्चा इतना यानी कि चेक सवारी इतना अच्छे इतना खर्चा करी दे मतलब चक सवारी चाहिए जा ग्राउंड वगैरह इस तरह ना कोई नहीं कौन है असाना न्यू सिटी एक कम्युनिटी हॉल है और न्यू सिटी ने लोगों वास्ते बनता सी तो जेरे तामीर सी मुकम्मल कौन सी उसने किसने पाया खान क्यूम हानर नहीं पढ़ाई हले उन्हें असा कि जनाब वो मुकम्मल करते दिता अंदर उसने सारी फिनिशिंग वगैरह फर्श बाई ए टू जेड उन्हें तैयार करते दिता उत्थे असा खेलने रहे पर उसका मसला यह कि उसने ऊंचाई बहुत थोड़ी सी यानी कि वो 18 फुट है हाइट बहुत 18 फुट है इसने कम अज़ कम 25 फुट हाइट वह तो यह बैडमिंटन खेलन होनी जी हाँ ठीक है सर सोनी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया असा की आगाह किया जाना असा बकाया भी कोई आवाम ना या जड़े खिलाड़ी उन्होंने कोई थोड़ी बहुत ही गलबात करने मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू जी नाजरीन तो यह जो पिछले मैच तुसा तकी रहे हो इस वक्त मीरपुर और डडियाल दरम्यान लगे आ तकरीबन जाना ना अज टूर्नामेंट अजय ही खत्म हो सी और बकाया वीडियो ही तुसा की बनाई तो दसा तो बकाया वीडियो बनाने इसी तक
जी नजरीन तो असा नाल मौजूद न अंपायर साहब इन्होंने ही मंदैलिक जरा ना ये खत्म होया इतों जी नाजरीन तो मंदैलिक इतना मैच खत्म होया अंपायर साहब थोड़ा जहा टाइम असा इन्हें को घीता इन्होंने ना गलबात करने नाले जड़ा ना इस बैडमिंटन हवाले ना कोई जड़ा ना पूछने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक है। पहले तो सारी नाजरीन की अपना नाम दस्सियो। तौसीफ मेरा नाम है, चकसवारी तू तलक है, अहमदाबाद कॉलोनी रहना। तो भाई ये पहले मैच लगे सी ये केड़ी केड़ी टीम है? एक टीम सी डडयाल मीरपुर सिटी ने, दूसरी डडयाल ने सी। ठीक है, इसने जीती केड़ी है? डडयाल ने शहरी ब्रदर वाली टीम जीती है। ठीक है, इस तू बाद हूँ कुछ ना मैच लग सी? इस तू बाद इस्लामगढ़ की टीम है कंपलैक्स खेलने रड़ा ले, दूसरी टीम है मीरपुर नहीं है, मीरपुर सिटी नहीं है। तो ये मैच अजय खत्म हो सी? इंशाल्लाह अज राती तक फाइनल हो जाए। इन्हों अलहमदुल्ला 32 टीमों ने टूर्नामेंट है, सब अच्छे प्लेयर। त्रिया सैटा पर जाना ना ये मैच आ रही लगे है। मैच त्रिया सैटा पर होना है, अगर दोवों पर भी गेम खत्म हो सकनी है, अगर एक टीम दो मैच विन करनी है तो दो, अगर एक एक मैच विन करने तो फिर फाइनल लगना। अच्छा, इस तरह जो रूल है ये तकरीबन जाना ना कितने जाना ना मतलब जड़े इसने होने ना इक्की पॉइंट होने। अच्छा, इक्की पॉइंट होने तो इसने बिच एक कैंप, अगर जड़ा प्लेयर जितना है फिर दूसरे की मौका लगना, अगर वो भी इक्की चाहे कि ना दो गेम एक एक बराबर हो जाने फिर फाइनल लगना, इन्हें ना फाइनल भी इक्की आना होना। अच्छा, तुम भाई दिसने तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये गेम है जी काफ़ी महंगी भी है। गेम एक्सपेंसिव है, इस तक कह सकने कि महंगाई भी है, तो वैसे भी इसने जी खासकर बैडमिंटन गेम है, बाकी गेमों ना महंगी है। इसना रैकेट नॉर्मल तो नॉर्मल रैकेट जो प्लेयर कि नाम है वो 6 to 7,000-8,000 इस तू महंगे भी हैं। शटल जी असा तू 4-5 साल पहले किन्ने सन लगे हुए, एक डब्बा असं 500 लभना सी, इसलिए वो 11.5-1200 रुपये तक असं डब्बा लभना है, डब्बे 6 शटल होनी है। इस लिहाज नाल गेम महंगी भी है, तो बहुत अच्छी गेम है, फिटनेस लिहाज नाल, फिजिकल लिहाज नाल अच्छी गेम है। साढ़े नाजरीन वास्ते कोई पैगाम देना चाहो कोई अपने? पैगाम यही है कि जेडे नाजरीन तक नहीं लगे हुए कि अपने इर्द गिर्द जेडे बैडमिंटन खेलने क्रिकेट खेलने अच्छी गेम जेडे भी हैं उन्होंने तावन कर, यह है कि बाकी खेलने वाले प्लेयर हैं जेडे बाकी सोबतों तू बुरी महफलों तू बचे रहने, एक अच्छी है कि बंदा गेम की तरफ लगा रहना, जिस ना कि अच्छे एक रिस्पांस मिलना है कि अच्छी बंदे की सेहत भी रहनी। पैगाम यह है भाई बंदा जाना ना कुछ भी खेला च रहे वो बंदा यानी कि जाना ना अपने आप में फिटनेस भी रहना और बुढ़ा नहीं होना है जी, बुढ़ा भी नहीं होना, तो बाकी उसने अलहमदुल्ला सेहत भी ठीक रहनी है, वक्त ने लिहाज एज तो होनी है मतलब ज़्यादा होनी है पर ठीक ठाक रहना मतलब कि बीमारियों तो भी महफूज रहना। ठीक है, चलो ठीक है, मेहरबानी सोनी जरा कितना टाइम हो गया खेलने? भाई हो 2-3 साल हो गए खेल, 2-3 साल हो गए खेलने, अज तकरीबन माशाल्लाह बड़े ग्राउंड जी पहुंचे पुजिए तो टूर्नामेंट खेड़ सो हाँ जी खेड़ टूर्नामेंट। मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम? फैजान। फैजान भाई अज मैच जरा हो रहा कि टीम ने सुना हो रहा? न्यू सिटी मीरपुर की टीम है, मीरपुर में जी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जासी कप इस इंशाल्लाह लाजमी असा तो को रखा। बिल्कुल, मेहरबानी सर करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसा कोई खाली जना पैगाम दे छोड़ो साड़ियां बकाया बच्चियां वास्ते मुड़ियां वास्ते क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? होना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटी जिस तरह इस्लामगढ़ है वो असने उत्थे चकसवारी भी होनी चाहिए, उत्थे भी कॉम्पलैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, हूँ तू चकसवारी तू स्पैशल इतना मुड़े खेलने वास्ते अच्छे ग्राउंड ना होने की वजह ना इतने करना असंगी अच्छा पैना, बेशुमार लड़के जो राती मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने इस ठंड में, तो इस तरह की अगर फैसिलिटी मौजूदा हुकूमत नौजवानों पर थोड़ा जहा रहम खान उन्होंने जी फिजिकली जी गेमों वगैरह इन्होंने पर तवज्जो करन तो माशाल्लाह लड़के होनहार हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी जीती सकने, इंटरनेशनल लैवल पर भी खेल सकने, यानी कि लड़के जो ना वो साढ़े मेहनत करी सकने लेकिन जो उन्होंने वास्ते जगह वगैरह चाहिए फैसिलिटीज़ नहीं, सब तो बड़ी चीज़ है कि असों को टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, मास्टर असर नाल मास्टर यासीन साहब खलते हैं ये महीना इतना अकैडमी चलाई रहे हैं इस्लामगढ़ में स्पोर्ट्स में छोटे बच्चे 12-12 साल ने इन बच्चियों की ट्रेन कर रहे हैं, सर नबील और स्पेशल ट्रेनिंग देने वास्ते डडयाल तो अच्छे हैं, ये इन्होंने काविशन है लेकिन ये पर्सनल काविश है, हुकूमती सतह पर नहीं है, इंडिविजुअल अपनी जी है ना जान मारी रहना
ठीक है, ताकि इतना टैलेंट प्रमोट हो, अग्गे अच्छा ना हो इस इलाके ना, ठीक है, ये चीज़ा जीडिया ना असानी नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह की जो ना चाहना हुकूमत की भी चाहना कि इस पर तवज्जो करन, ठीक है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਕਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਨਮਾਸੀ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਨੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨਾ, ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਈਸਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੋਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸੇ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਏ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟੋਂ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖੇਲਤੇ ਹੈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। तो हर दफ़ा आप खुद भी खेलते हैं? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया खेलते हुए? मैं तो खैर छोड़ दिया, अभी कोई नहीं खेलता जी, लेकिन यह कि स्टार्ट मैंने किया था। ठीक। हाँ जी। तो इन बच्चों को कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 3.5-4 साल तकरीबन लगातार खेल रहे हैं। हाँ जी। और टूर्नामेंट जीते भी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट जीत गए हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अपना नाम? आशान तनवीर। आशान भाई, आप कितने अर्से से खेल रहे हैं? हमें तकरीबन यही 3-4 साल कर ले हो गए। यहाँ पर चकसवारी में, ये इस्लामगढ़ में टूर्नामेंट अभी आए हैं या पहले भी खेल चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, हमारा कोई 5वां-6वां टूर्नामेंट है यहाँ पे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी विन भी किए हैं और हारे भी हैं, जीते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह बस चलो जी, अच्छी बात है। खेल जो है ना ये अच्छी है सेहत के लिए, और हार जीत तो मुकद्दर की बात है। मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम? मेरा नाम नबील है और मैं पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट से खेलता हूं और डडियाल से बिलोंग करता हूं, डडियाल का हूं। तो यहां पे माशाल्लाह अच्छा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। आप खुद खेलते हैं या कोच हैं? मैं खेलते भी हूं, अभी भी खेल रहा हूं और एज ए कोचिंग भी करता हूं, दोनों प्रोफेशन। तो आपकी टीम अभी खेल रही है या खेल चुकी है? नहीं, अभी खेल रही है। हमारी दो टीमें, तीन टीमें थी सॉरी, और दो टीमें हमारी लूज़ करके एक टीम हमारी आगे अभी है। सही है। नेक्स्ट राउंड में तो आगे जो है ये टीम आपकी खेलेगी? हाँ जी, नेक्स्ट अभी राउंड में हमारी टीम है। ठीक है, इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो भी कवर करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम? शायान तनवीर। आप ही जेलम से? हाँ जी, जेलम से। हम दोनों भाई हैं। अच्छा, ट्विन्स ब्रदर हैं हम लोग। ठीक। हाँ जी। तो कितना तकरीबन कितना टाइम हो गया आपको भी खेलते हुए? हमको भी, मुझे भी 4 साल हो गए दोनों। हाँ जी, 4 साल हो गए। प्रॉपर खेलते हो? हाँ जी, प्रॉपर खेलते हैं। पाकिस्तान की जहाँ भी मैच हो जाते हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, जितना हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाबा ही हैं, साथ जाते हैं जिधर जाएँ, जितना मर्ज़ी दूर हो पंजाब के हर कोने में जो है ना वो लेके जाते हैं। इधर भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं माशाल्लाह, विन किए हैं काफ़ी टूर्नामेंट्स और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट। कश्मीर में ये कितना तकरीबन विजिट है, कितने? कश्मीर में काफ़ी दफ़ा आए हैं, यहाँ भी आए हैं, न्यू सिटी में खेले हैं हम लोग, अपने ऑफिसर क्लास में खेले हैं, बहुत सारा खेले हैं टूर्नामेंट्स, सेंसा तक भी गए। अच्छा, सेंसा तक भी गए? हाँ जी, वहाँ भी खेले टूर्नामेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट जीत कर आए हैं जी, बहुत सारे जीते हैं यहाँ से। देखो हमने तकरीबन 4 टूर्नामेंट जीते हैं, लास्ट टाइम जो है वो भी हम जी विन किए। हाँ जी, चलो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक और शख्सियत मौजूद हैं, समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियत, जनाब चेयरमैन बरकत साहब, इन्होंने भी गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चो साहब, क्या हाल है? सेहत है ना? ठीक ठाक जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चो जी, तकी ना उसकी तकरीबन हर मैच है परी जाना ना थोड़ा राउंड होना वै, और मेहमान खसूसी भी होने हो, थोड़ा पसंदीदा खेल केड़ा वै? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। दोस्तों भाइयों अस्सलाम अलैकुम। खेल दोस्तों हर चीज़ शौक नाल है, खेल जड़ा ये फिटनेस वास्ते वै, सेहत वास्ते बहुत अच्छा वै, बुरियां तो बची जाना, नशे तो बची जाना। ये क्रिकेट है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे हॉकी है,
बच्चे हैं। अगर पसंदीदा खेल माड़ा वै तो मैं वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा पसंद करना, लेकिन यह भी गेम जी बैडमिंटन है सेहत वास्ते बहुत अच्छी है, लिहाजा ये है कि बुरीअंत बची जानी है। मैं बड़ा खुश होया स्टेडियम तक आए, पहली दफ़ा आया, मैं हर लिहाज ना इन्होंने हौसला अफजाई करने वास्ते तैयार हाँ। मेरे को जो कुछ हो ही सकया इंशाल्लाह माली जानी मैं हर लिहाज ना इन्होंने सपोर्ट कराया कर सा, मैं पहली दफ़ा ये आया इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी जी, थैंक यू। साडे नाल चौधरी साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने गल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साढ़े जेडे बारून मुल्क भाई दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो जुल्फकार साहब ये भी इस मैच जरा ना काफ़ी शौक रखने, तो कोई तुसा इजहार ख्याल करना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो? ये पैगाम ये है जो अगर तुम जुल्फकार साहब ने आख्या उन्होंने इस टूरनामेंट भी तामन है कयूम साहब ना, जुल्फकार मचालवी साहब ना, चेयरमैन फैसल साहब ना, ते और भी काफ़ी इंग्लैंड जेडे अगर वो इस तरह स्पॉन्सर और तावन करने रहे ते बेशुमार टूरनामेंट इतने रहन खाद हो सकने न, ते और उस्ताद फैजान साहब, शोएब साहब, मास्टर कील साहब बड़ा अच्छा टूरनामेंट कराई रहे, ते बड़े अच्छे लड़के नवे तैयार करी रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा तारक शाह साहब भी साढ़े मौजूद हैं, इन्हों गल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले तो मैं जनाब जो मुझे सारे दोस्त सर सर चकसवारी ने जिन्हें टूर्नामेंट अरेंज किया, फिर चौधरी फिजान साहब और उन्होंने मास्टर कील साहब हैं, तो एक शुएब साहब हैं, तो मैंने बहुत खुशी हुई है कि ना पहले भी चकसवारी भी ने एक छोटा जा जूनियर ना टूर्नामेंट किया सा, उसी असं इंशाला हाजिरी लाई सी, तो बहुत खुशी हुई है। तो हूँ तो इन्हें आल पाकिस्तान आल आजाद कश्मीर टूर्नामेंट बनाया, तो सब तो पहले तो ये खुशी है कि मुझे बेशुमार बच्चे जो साढ़े ने इतने लड़के छोटे भाई साढ़े ये बेशुमार बुराइयों गलत एक्टिविटी तो बची जाने। दूसरा मैं अपने इन्हें दोस्तों की वजह तो एक खास पैगाम देना चाहना है कि जिस तरह इस्लामगढ़ एक कंपलैक्स बनता है इस तरह साढ़े चकसवारी होना चाहिए। पहली गल तो है कि कोशिश करनी चाहिए सारी हुकूमत की, तो साढ़े जे MLA साहब उन्होंने की या आप जो हुकूमत जो मैं तो उन्हें करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर सकने तो दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि साढ़े हल्के वेलफेयर ट्रस्ट चलाने बेशुमार पार्टियां जिन्हें साढ़े दोस्त हैं चेयरमैन जुल्फकार मितालवी साहब, मैं उन्होंने की अपील करना है कि अपने दोस्तों मशावरत करी तो चकसवारी एक छोटा जहा कंपलैक्स तैयार कर दिन इन्हें बच्चों का खेलने वास्ते जनाब, क्योंकि अगर हुकूमत नहीं कर सकनी तो ये दोस्त जिस तरह होर मैं बेशुमार रिफाई कम करें ये छोटा जहा कंपलैक्स तैयार कर दें, मैं उन्होंने जनाब बहुत शुक्र हाँ। तो माड़ी उन्होंने दुआ ही है सारे दोस्त जो बाहर बैरून मुल्क बेशुमार मामला पाकिस्तान कर रहे हैं, तो आजाद कश्मीरी गरीबों ने हर मुश्किल वक्त कर रहे हैं, तो उन्हें करनी चाहिए है। तो उन्होंने सारे दोस्तों मातर वो असलाम वालेकुम, तो जनाब अगर कम कर सकता इन्होंने विसाजत यूट्यूब ना भी जाए आपके साथ चकसवारी छोटा जहा कंपलैक्स होना चाहिए, खेल वाला कंपलैक्स होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये साढ़े नाल मौजूद सन शाह तारक साहब जेडे मैडिकल स्टोर है जिन्होंने कल उन्हें इन्हें पैगाम दिता भाई जरा साढ़े ईसर भी होना चाहिए कंपलैक्स, एक जरा साड़ी जी आने वाली जी नौजवान नसल है उसने वास्ते होना चाहिए। बकाया सी हूँ मैच खत्म होने वाला तकरीबन फाइनल ना आई गया राउंड, तो इस बाद फाइनल भी दसा और उस तो बाद बकाया वीडियो जी फाइनल बनाने फाइनल ही वीडियो बनासा और उस तो बाद जाना असं अख्ताम जाना कर सा